आपका स्वागत है गांगुली टेक पाव। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पीएचपी में डू वाइल लूप का यूज कैसे करना है। डू वाइल लूप का भी यूज जो है आपका तब किया जाता है जब आप कोई जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है आप उसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या फिर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस ये होता है कि वाइल लूप में जैसे ही आपका जो एग्जीक्यूशन मतलब स्टार्ट होने वाला होता है तो वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी वो लूप एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। डू वाइल लूप में एक बार तो कम से कम एक बार जो है आपका कोड जो लूप वाला है वो एग्जीक्यूट होगा, भले ही कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन जब दूसरी टाइम जब आपका लूप एग्जीक्यूट होने वाला होगा तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहीं से दो शब्द और नए आते हैं कि वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है, क्योंकि एंट्री पर ही जो है आपका कंडीशन चेक होता है। और डू वाइल लूप में को जो है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है, क्योंकि जब आपका एग्जिट होता है तो उस समय कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है पीएचपी में और उस फाइल का नाम रखा है डू वाइल डॉट पीएचपी, और इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने काउंट रखा है और उसको मैंने इनिशियली जीरो पर सेट किया। ये काउंट वेरिएबल हमें ये बताया कि लूप हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे पहले आपको डू कीवर्ड लिखना है, फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर आपको वो कोड लिखना है जो आप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मैंने वाइल लिखना है आपको, यहाँ से बाहर आके कर्ली ब्रैकेट के बाहर आके वाइल, फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगानी है मतलब ये जो ब्रैकेट्स है, और इसके अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी है जो आप चेक करना चाहते हैं, जो ट्रू होने पर ये लूप चलना चाहिए वो कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना। तो ये जो आपका जो है डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर है। तो अब आपको जो है हमें डू वाइल लूप यूज़ करना है तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ जो कोड मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है 100 बार हेलो पीएचपी लिख के दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर मैंने काउंट वाला वेरिएबल का नाम लिख दिया, क्योंकि मैं इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो भी मैं आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा हेलो पीएचपी और फिर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब नेक्स्ट काम जो आता है वो ये है कि हमें काउंट की वैल्यू जो है बढ़ानी होगी, क्योंकि इनिशियल ये जीरो पर है और हम यहाँ पे कंडीशन पर चेक करेंगे कि जब तक काउंट की वैल्यू जो है छोटी रहे 100 से तब तक ही लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। और जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे काउंट की इनिशियली वैल्यू जीरो है और आप ये कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि जब तक ये वैल्यू छोटी है 100 से, तो आप छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको जो वैल्यू होता है मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट का, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम ऑपरेटर्स करके, जिसमें मैंने पीएचपी में जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है, और साथ ही में उसी वीडियो में मैंने पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में भी बताया है। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ किया और इसका मतलब ये सेम यही होता कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता, सेम यही मतलब है। मतलब आप चाहे ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, मतलब सेम है, और चाहे आप ये लिखिए मतलब इसको प्लस प्लस को पहले लगा दे, तो ये तीनों का मतलब सेम होता है। ये जो है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ये आपका प्री इंक्रीमेंट है, और ये तो आपका नॉर्मल तरीका है लिखने का। इसको लिखने पर होता है कि आपकी जो भी वैल्यू होती है इस वेरिएबल पर उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो हमको ये दो तरीके हटा देते हैं, हमने कमेंट आउट कर दिया और ये वाला तरीका हो गया। तो ये देखिए हमारा जो डू वाइल लूप बन गया, इस तरीके से बनाना है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एग्जाम कंट्रोल पैनल पर जाना है, एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है, वहाँ पे एसटी डॉक्स करके आपको एक फोल्डर मिलेगा और इस फोल्डर के अंदर आपको ये पीएचपी फाइल सेव करना होगा। मैंने यहाँ पे एक डू वाइल करके फोल्डर बनाया डू वाइल लूप, और उसके अंदर यहाँ पर डू वाइल डॉट पीएचपी फाइल को मैंने यहाँ पे सेव किया है, और साथ ही मैं एक एग्जाम्पल डॉट पीएचपी फाइल भी बनाया जिसमें मैंने इसी डू वाइल लूप का यूज करके थोड़ा और भी कोडिंग दिखाई है, तो उससे जो चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। और ये जो एच टी डॉक्स आपका फोल्डर है, इसको जो वेब डायरेक्टरी भी कहा जाता है एग्जाम का, और यहाँ पर जो भी आप फाइल डालते हैं वो आपको वेब ब्राउजर में दिखाई देता है। तो हम लोग अब जो है हम लोग अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने एड्रेस बार पर लिखा लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पे हमको फोल्डर का नाम दिखाई देगा, ये देखिए डू वाइल लूप, उस पर मैंने जो है क्लिक किया तो यहाँ पे दोनों हमारी जो फाइल आ गई पीएचपी वाली, सबसे पहले डू वाइल डॉट पीएचपी फिर एग्जाम्पल डॉट पीएचपी, और एग्जाम्पल डॉट पीएचपी में आप कोड देख लीजिए। इसमें जो है मैंने काउंट वाला वेरिएबल बनाया, इनिशियली उसकी वैल्यू जो है 1 सेट करी है, उसके बाद फिर मैंने डू
वाइल लिखा और यहाँ पे कंडीशन लिखी कि काउंट की वैल्यू जब तक छोटी है या बराबर है 6 के तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उसमें क्या होगा कि जो आपके जो हेडिंग टैग होता है HTML का, H1 है, H2 है, वो सारे जो H1 से लेके H6 तक, H6 तक होते हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे। और तो ये है, तो हम देखते हैं, तो हमने dowhile.php को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 hello php आ गया। अब आ आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब कुछ एक साथ चिपक के आ रहा है, तो हमको हर जो ये स्टेटमेंट है, जैसे ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ तो दूसरा वाला नई लाइन से आना चाहिए, मतलब नीचे से आना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने dowhile.php फाइल में जाना है, यहाँ पर जाके आपको HTML का जो लाइन ब्रेक वाला टैग होता है जो br टैग है उसको लिख देना है, पेज पे आना है, रिफ्रेश करना है, तो आप देखेंगे आपका आ गया। और ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और ये 99 तक गया, तो हेलो PHP, क्योंकि 0 से अगर 99 तक आप जाएंगे तो टोटल वो 100 होता है। अब हम लोग बैक करते हैं और फिर आके हम लोग example.php वाली फाइल को भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हेडिंग H1 आया, फिर हेडिंग H2 आई, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और फिर H6 आ गई। तो इस तरीके से जो आपको डू वाइल लूप का यूज़ करना है, और जो है मैंने आपको ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बता दिया। सेम इसी प्रकार एक डिक्रीमेंट भी होता है जिसको मैं माइनस माइनस लिखना होता है, और इसमें होता यह है कि इसमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस 1 है तो यहाँ पे ये माइनस 1 हो जाता है। और सेम इसी प्रकार जो है इसको पोस्ट जो है आपको पोस्ट डिक्रीमेंट कहेंगे, मतलब घट रहा है, और इसको जो है प्री डिक्रीमेंट कहा जाता है। और इसका यूज तब किया जाता है जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 सेट कर देते हैं और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि काउंट जब तक जो है बड़ा है, मतलब इसको जो है हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू 100 सेट कर देते हैं और हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि काउंट जो है जब तक बड़ा है 0 से तब तक ये लूप चलना चाहिए, तो ऐसे केस में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि जो हमने जो है छोटी वैल्यू ली थी तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज़ किया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में बताया है। अगर आपको डाउट हो तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, और अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।